इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आज इस देश का किसान सड़क पर है, क्या मांग रहा है? कहता है कि सरकार हमसे बात करे, जो इन्होंने बिल बनाए हैं उसमें कुछ वो संशोधन मांग रहा है। क्या उसका ये अधिकार नहीं है कि वो अपने हक में जो चाहे इस देश में करवा नहीं सकता? इस देश को बनाने में जितना किसान की भागीदारी है, मैं नहीं समझता किसी भी क्रोनी कैपिटलिस्ट का इसमें कुछ भागीदारी रही होगी। जब यहाँ खाने के लिए अन्न नहीं था, तो जिस तरह से किसान इस देश को बनाने के लिए, भले वो 1960 के बाद का दौर हो, जब ग्रीन रेवोल्यूशनरी सिस्टम आया, तो उस जमाने में जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इस देश में जिस तरह से अनाज का भंडार तैयार किया, आज तुम उन अन्न को खा के सरकार में बैठे हो और आप ये नहीं चाहते कि वो जो किसान है उसकी तकलीफ सुनने तक आपके पास समय नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप किस तरह का सरकार चलाना चाहते हो और किसके लिए सरकार चलाना चाहते हो। इस देश के 80% इस देश में किसान है। आप मेजॉरिटी लोगों की बातें सुनना नहीं चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ चंद गोरे दोस्तों को बहलाने के लिए, उनके कंपनीज इंडिया में लाने के लिए यहां के किसान को आत्महत्या करने की ओर आप ढकेल रहे हो। आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, आप किसान का दिया हुआ खाते हो। किसान जिस तरह से मेहनत से अपना खून पसीना इस धरती को देके इस देश के लोगों को जो मजबूती देने में काम करता है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। वो किसान का जो बना हुआ जो पैदावार है वो खाके आज हम इतने मजबूत हैं कि पूरे दुनिया में जो पेंडेमिक चल रही है कोरोना नाम की, हिंदुस्तान फिर भी दूसरे मुल्कों से बहुत सेफ है, क्योंकि यहाँ के खाने में, यहाँ के उस पदार्थ में इतनी ताकत है कि हम किसी भी बीमारी को लड़ सकते हैं। वो इसलिए हो पाया क्योंकि वो किसान वहां पे मेहनत से खेत में अपनी उपज को जो है पैदावार कर रहा था। आज वो आपसे बात करना चाहता है, आपके पास इतना समय नहीं है। आप दुनिया भर के अनाप शनाप लोगों से मिलते रहते हो, दुनिया भर के लोगों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हो। अगर आप प्रधानमंत्री इस देश के हो तो इस देश के किसान के साथ में तो वीडियो कॉन्फ्रेंस करो। है अगर आप में हिम्मत तो उनसे बुलाओ, अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करो, पूछो उनकी तकलीफें क्या है। आप जो बिल लेके आए हो उस बिल से उनको तकलीफ क्या हो रही है, तो पूछ लो उनसे। जिसके लिए आपने बिल बनाया है वो कह रहा है कि ये बिल हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो बदल दो उसको। पिछली जितनी सरकारें थी की है, आप अपने ईगो में इस देश को गड्ढे में मत ढकेलो। किसी एक चंद अपने विदेशी मेहमानों को खुश करने के लिए कि आप इस देश का भविष्य मत बिगाड़ो। आज किसान अपने परिवार को छोड़ के दिल्ली के सड़कों में सो रहा है। दिल्ली के सारे बॉर्डर लगभग बंद हो चुके हैं। किसान दिल्ली में आके आपसे बात करना चाहता है। क्या उसकी ये हक नहीं है? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें बुलाए इज्जत से और उनके साथ बात करें? इतना क्यों उनसे नफरत है? और बहुत तकलीफ में आप लोग आओगे, किसान के नाम के पैसे खा के, किसान के नाम पे किसानों को आत्महत्या करने के ओर मत ढकेलो। मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि सरकार सबसे पहले फुर्सत में किसानों से बात करे, और जिस सर्दी में वो तड़प रहे हैं, जिस सर्दी में वो सो रहे हैं रास्तों पे, उनकी तकलीफ को समझे और उनसे बात करके बाइज्जत वो अपने अपने घर पहुंचे, ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। नहीं तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश में
जो है बहुत ही उग्र स्वरूप ये किसान आंदोलन लेगा और देश का बहुत नुकसान होगा। पहले ही जीडीपी गिर चुकी है, कोरोना की वजह से और पता नहीं कितना गिरा है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई एमएसएमई नहीं चल रही है। बस अगर कुछ इस देश को वापस रीढ़ की हड्डी बन के मजबूती दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, जिसको आप बर्बाद करने पे तुले हो। मत करो, देश को बचा लो। ये आपसे मैं तमाम सरकार के लोगों से ये पूछना बोलना चाहता हूँ कि आपको देश का अगर प्यारा है तो इस किसान को बचा लो, ये किसान इस देश को बचाएगा। सबसे पहले उन्हें बुलाए और बात किया जाए।